अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारे घर पे भी सब लोग ठीक ठाक हैं। तो आज फिर इधर मौसम ख़राब हो रहा है और सुबह सुबह बारिश शुरू है। दो दिन तक बारिश नहीं हो रही थी लेकिन आज से फिर सुबह से हम लोग उठे हैं तो बारिश शुरू हो चुकी है। और यहाँ देखें, मैं अपने रूम में बैठ के बाहर का भी नज़ारा ले रही हूँ और इसे चाय पीने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और बाहर बारिश भी, तेज़ बारिश हो रही है। आवाज़ से पता चल रहा होगा क्योंकि खिड़की पे पीछे जाली लगा हुआ है तो नहीं पता चल रहा। इसके बाद मैंने छाता लेकर के फिर से शॉप में आ गई हूँ और बेटा का आज स्कूल नहीं था, छुट्टी था, पता नहीं किसी चीज़ का छुट्टी था। कल महबेरी झंडा था ना, तो शायद उसी की वजह से आज छुट्टी था। तो बेटा भी स्कूल नहीं गए हैं, वो भी घर ही पे हैं और बारिश हो रही है। तो अभी मैं कुछ देर के लिए आई हूँ शॉप में क्योंकि बारिश में तो कोई आएगा ही नहीं कुछ ख़रीदने, तो फिर यहाँ बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन मैं आ गई हूँ कि हो सकता है थोड़ा बहुत चल जाए, क्योंकि इधर कई दिनों से मैं टाइम से शॉप को नहीं खोल पा रही हूँ। बस एक घंटा, आधा घंटा, डेढ़ घंटा के लिए बैठती हूँ तो उसमें क्या होने वाला है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बैठ के चलाऊँ। और मेरे चैनल पे चीनी कितने का चाहिए? 10 रुपए के। 10 रुपए के कौन सी नाम आता है? आसमा। और कौन सी पूछा तरु? अरे बकरी की दवाई ना। कैसी की दवाई? बकरी के दवाई ना का भेल बा? बकरी के बीमारी भेल बा। जोर से बोला था, बकरी के कैसी भेल बा हैं? बोलना, फोटो ना खींचत, बीमारी भेल बा। बकरी को बीमारी हुआ है, वही आई है दवा के लिए। शॉप में बैठ के खूब बच्चे आते हैं, फिर प्यारे प्यारे बोलते हैं, उन लोगों से बात करती रहती हूँ मैं भी। वो देख रही है ना कि मोबाइल ऐसे किए हैं तो उसको लगा हम उसका फ़ोटो खींच रहे हैं तो चुप हो गई है। अच्छा लगता है खूब शॉप में बच्चे आते हैं, ऐसा ऐसा बात बोलेंगे, हंसी भी आता है। उसकी बात से आज हमारी एक फ्रेंड आई थी जो कि काफ़ी परेशान है, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, एक बेबी है। तो हम लोग काफ़ी देर तक बैठ के बातें किए हैं, लोग मतलब काफ़ी देर तक हम लोग एक दूसरे से बात किए हैं तो थोड़ा सा दिल भी हल्का हो गया उनका भी और मेरा भी। और क्या बताऊँ, जो इंसान जिस वक्त से गुजरता है ना तो उसी को पता चलता है, वरना बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं कि किसके लाइफ में क्या है। बस लोगों को क्या है, लोग जज करते हैं कि हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अंदर की हालात तो कोई जानता नहीं है, बस लोगों को जज करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। वैसे तो मैं शॉप में बैठती हूँ तो सब अगल बगल की जो चाची हैं लोग, जो भाभी हैं लोग, वो आके बैठ के अपना तकलीफ़ हल्का कर लेती हैं लोग मेरे से। मुझे भी अच्छा लगता है और मैं सबकी बातों को सीक्रेट रखती हूँ, किसी से कोई वो नहीं रहता है। सब लोग बोलता है कि नाच से सब लोग जाके अपने दिल की बातें हल्की कर लेता है लोग तो। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आज मार्केट भी गई थी क्योंकि एक बिजी लगती हैं, उनकी शादी है तो उनके लिए कुछ बर्तन वगैरह गिफ्ट करना था तो हम भी चले गए थे बर्तन खरीदने के लिए। और वहाँ से खरीद के आप देख सकते हैं, यहाँ ये नॉर्थन का ही मार्केट है और ये यहाँ पे सोना वगैरह के हर चीज़ मिलते हैं, यहाँ जेवर भी सब मिलता है। तो हमने उनसे जेवर भी ख़रीदा और काफ़ी अच्छे रेट में बर्तन वगैरह दिए हैं और माशाल्लाह ये काफ़ी व्यवहारी लोग हैं, बहुत अच्छा लगा इनके दुकान में आकर के। उसके बाद से देखिए आते ही बारिश शुरू हो गई है। ये शॉप का बाहर का है, मैं जैसे ही शॉप में आई हूँ फिर बारिश शुरू, तो चलो बारिश के पानी हाथों पे डालते हैं, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है।
जैसे बारिश ख़त्म हुई है हम घर पे गए हैं और ये देखें बेटा का ये पता ना कौन सा स्टाइल है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। आंखों पे क्या किया है, दो पत्थर लेकर के आंखों पे रख लिया है और आंखों पे पत्थर रख करके और नाथ शरीफ को पढ़ रहा है, कभी गाना गा रहा है कभी नाथ शरीफ को पढ़ रहा है। अच्छा जैसे उसको मोबाइल पर नज़र पड़ी बस चुप हो गया। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरा चैनल का व्यूज़ काफ़ी कम जा रहा है। और ये देखें ये हैं शिद्रा जो कि अभी अभी चलना शुरू किए हैं, ये चाहती हैं कि बस चलती रहें। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।